Assalamu alaikum students, today we will discuss about lecture number 2, carbohydrates. Definition: a carbohydrate is a biomolecule consisting of carbon, hydrogen and oxygen atoms, usually with a hydrogen-oxygen atomic ratio is 2:1. Carbohydrates or biomolecules are naturally occurring biomolecules containing carbon, hydrogen and oxygen atoms. जिसमें मोस्टली जो एटम्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, और इसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटम के रेशो होता है वो मोस्टली 2:1 होता है. द जनरल फार्मूला फॉर एनी कार्बोहाइड्रेट इज CxH2OY, वेयर x इज एनी नंबर बिटवीन 3 and 8. जनरल फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो है CxH2OY. फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसका फार्मूला है, तो ये ग्लूकोज इस जनरल फार्मूला को ओबे कर रहा है. इसमें x एंड y का वैल्यू होगा वो 6 होगा, तो C6H2O 6 मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ तो ये हो जाएगा 12, C6H12 एंड ऑक्सीजन हो जाएगा 6. तो जो कंपाउंड्स इस फार्मूला को ओबे करेंगे वो उनको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन ये जो फार्मूला है ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है. कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इसको ओबे नहीं करते, लेकिन वो नेचुरली कार्बोहाइड्रेट्स हैं रियल में. और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस फार्मूला को ओबे करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. जैसे रेमनोज हो गया, रेमनोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O5 है, इस जनरल फार्मूला को ओबे नहीं करेगा, लेकिन रेमनोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है. एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिडिक एसिड इस फार्मूला को ओबे कर रहे हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. तो ये फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ये कुछ कंपाउंड्स ओबे करते हैं, कुछ कंपाउंड्स ओबे नहीं करते. जनरल ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है. दूसरी डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्साइल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड अदर सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स. मॉडर्न डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं जिसमें पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हो, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप हो या कीटोन हो, या ऐसे कंपाउंड्स मिले जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हो. जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है एंड मेनी हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं. एंड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन एंड मेनी हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं. या ऐसे कंपाउंड्स मिले हाइड्रोलाइसिस से जिसमें कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप हो एंड मैनी हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, उसको भी हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेस्ट. नंबर 1, शुगर्स. दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट, क्रिस्टलाइन एंड वाटर सॉल्युबल. शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट, टेस्ट में स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं एंड वाटर सॉल्युबल. क्रिस्टलाइन मीन्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है उसकी एंड वाटर में सॉल्युबल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सक्रोज, ये तीनों स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन एंड वाटर सॉल्युबल है, तो इनको हम कहेंगे शुगर कार्बोहाइड्रेट्स. नंबर 2, नॉन शुगर. दीज आर टेस्टलेस, एमॉर्फस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको टेस्ट नहीं होती, कोई फॉर्म नहीं होता, एमॉर्फस होती हैं एंड वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज जो हैं ये नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं. नेक्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर्स. दीज शुगर्स रिड्यूस टॉलरेंस रिएजन एंड फेलिंग सॉल्यूशन बिकॉज दे कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप. रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो टॉलरेंस रिएजन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ये हम पढ़ के आए हैं पहले. टॉलरेंस रिएजन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, इनको जो कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करें, खुद ऑक्सीडाइज हों, उनको हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर. और ये इनको रिड्यूस क्यों करती हैं, क्योंकि उनमें एल्डिहाइड या कीटोन जो फंक्शन ग्रुप है वो फ्री होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और इनको फेलिंग सॉल्यूशन को एंड टॉलरेंस रिएजन को रिड्यूस करती हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड ऑल ओलिगोसेक्राइड एक्सेप्ट सक्रोज, सक्रोज को छोड़ के सारे ओलिगोसेक्राइड्स एंड ऑल मोनोसेक्राइड्स, इनको हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर. सक्रोज में देखें, फिगर में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो बॉन्डेड है दोनों रिंग के साथ, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप दोनों बॉन्डेड हैं, फ्री नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है. और दूसरी जो फिगर है इसमें देख रहे हैं
कार्बन नंबर 5 पे OH अगर राइट साइड पे है तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दूसरी में है फिगर में अगर OH ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे लेफ्ट साइड पे है तो उसको हम कहते हैं एल ग्लूकोज, लिवो रोटेटरी। ये रोटेशन है, कॉन्फ्यूगरेशन है। अगर कार्बन नंबर 5 पे OH ग्रुप राइट साइड पे होगा तो उसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज, लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको हम कहते हैं एल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फ्री है तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इन दोनों रिएजेंट्स को रिड्यूस करेगा। लेकिन सक्रोज में जो ये ग्रुप्स हैं ये फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप जो हैं वो बॉन्डेड हैं तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, दीज शुगर्स डू नॉट रिड्यूस टोलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन बिकॉज दे डू नॉट कंटेन फ्री फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा वो फ्री नहीं होगा तो वो रिड्यूस नहीं करेगा तो उसको हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। फॉर एग्जाम्पल सक्रोज, पहले हम फिगर में पढ़ के आए देखा सक्रोज जो था उसमें ये दोनों ग्रुप्स जो थे वो बॉन्डेड थे, फ्री नहीं थे। एंड ऑल पॉलीसेक्राइड्स जैसे स्टार्च एंड सेलुलोज, इसमें ये दोनों ग्रुप्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, फ्री नहीं होते, तो इनको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे। इसकी क्लासिफिकेशन तीन है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। नंबर वन मोनोसैकेराइड्स, मोनो मीन्स वन एंड द वर्ड सैकेराइड टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सक्रम मीन्स शुगर। मोनोसैकेराइड को सिंपल शुगर कहते हैं। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, वाटर में अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो वो फर्दर यूनिट्स में ब्रेक नहीं होंगे। इसमें एक शुगर यूनिट होता है इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। दे कंटेन 3 to 10 कार्बन एटम्स, मोस्टली मोनोसैकेराइड्स में कम से कम कार्बन कितने होते हैं 3 एंड ज़्यादा से 10 कार्बन होते हैं। मोनोसैकेराइड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड हैलोजेंस एंड दोस कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप कॉल्ड कीटोजेंस। मोनोसैकेराइड में अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो उसको हम कहेंगे हैलोजेंस, कीटोन होगा तो उसको हम कहेंगे कीटोजेंस। जैसे ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में कीटोन है। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल फर्स्ट आप देख रहे हैं 3 कार्बन है, सेकेंड में 4 कार्बन है। फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं अल्डो, अल्डो क्यों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है 3 कार्बन, अल्डो ट्रायोस। और सेकेंड में कितने कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है 4 कार्बन है तो अल्डो टेट्रोस। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे है तो इस रिंग को हम कहेंगे ग्लूकोज। और गैलेक्टोज में देखें जो फिगर नंबर 3 है इसमें OH कार्बन नंबर 4 पे ऊपर है तो उसको हम OH ऊपर है तो उसको हम कहेंगे गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में इनकी रिंग्स में ये डिफरेंस है, कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे है तो ग्लूकोज, OH अगर ऊपर है तो गैलेक्टोज। और इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम होगा। हेक्सोज आर वेरी इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स में जो हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे हेक्सोज में जिसमें कार्बन कितने होते हैं 6 कार्बन होते हैं और वो इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स हैं। All those sugars in which at carbon number 5 hydroxyl group attached on the right hand side are called D sugars. Carbon number 5 पे अगर OH group right side पे अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे D sugar, D for dextro rotatory. अगर OH group left side पे होगा तो उसको हम कहेंगे L sugar, L means levo rotatory. अब ये एक डिवाइस है पोलरीमीटर, उसमें इसका मिक्सचर जब हम ऐड करेंगे वो अगर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी ग्लूकोज। अगर वो रोटेट करेगा लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डी ग्लूकोज,
नेचुरल जो ग्लूकोज हमें मिलता है वो डी ग्लूकोज होता है। अब ये डी एंड एल ग्लूकोज किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड पर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। इस फिगर में देखें कार्बन नंबर 5 पे OH की कॉन्फ़िगरेशन अगर राइट साइड है, पोजीशन राइट साइड है, तो उसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज। दूसरी फिगर में कार्बन नंबर 5 पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे, तो उसको हम कहेंगे एल ग्लूकोज। तो कॉन्फ़िगरेशन पे ये एल एंड डी डिपेंड करते हैं, नेचुरल जो मिलता है वो डी ग्लूकोज होता है। उसके बाद है मीटा रोटेशन। द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, एनोमर्स किसको कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सिर्फ किसी एक ग्रुप की, किसी एक मॉलिक्यूल की जो पोजीशन है, कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हो। जैसे एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज ये एनोमर्स हैं। द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स आर ईच इन इक्विलिब्रियम विथ लीनियर फॉर्म एंड देयर फोर विथ ईच अदर इज नोन एज मीटा रोटेशन। मीटा रोटेशन में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अब ये रिंग फॉर्म में आप देख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज इसको कहते हैं। रिंग फॉर्म में अगर कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH ग्रुप नीचे है तो उसको हम कहेंगे अल्फा, और लास्ट में आप देखें बीटा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप ऊपर है तो उसको हम कहेंगे बीटा, और डी मीन्स कार्बन नंबर 5 पे अगर OH राइट साइड पे तो डू डी है, अगर लेफ्ट साइड पे तो वो एल है। एट इक्विलिब्रियम द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 36% डी ग्लूकोज एंड 64% बीटा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे, इसके साथ जो लीनियर फॉर्म है, ये ओपन चेन है और वो क्लोज चेन है, इनके साथ जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे तो उसको हम कहते हैं बीटा रोटेशन। और इनके जो मिक्सचर में होता है अल्फा डी ग्लूकोज इसके 36% होती हैं, बीटा डी ग्लूकोज उसके 64% होती हैं। टू आइसोमेरिक क्लोज रिंग चेन स्ट्रक्चर विच इंटर कन्वर्ट इन टू वन एन अदर वी आई ओपन चेन फॉर्म। अब टू अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म है, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे किसके साथ, ओपन चेन फॉर्म के साथ, तो उसको हम कहेंगे मीटा रोटेशन। नंबर टू ओलिगोसैकेराइड्स, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करें, हाइड्रोलाइज करें, तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मिले। मोनोसैकेराइड में क्या था, मोनोसैकेराइड में फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। इन ओलिगोसैकेराइड्स में जब ये कार्बोहाइड्रेट्स हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हमें मिलेंगे। ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम जो स्टडी करेंगे यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड में से वो हम करेंगे डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड मीन्स विच ऑन हाइड्रोलाइज प्रोड्यूस 2 मोनोसैक्राइड यूनिट्स, जैसे सक्रोज है, सक्रोज माल्टोज एंड लेक्टोज, इनके ऊपर हम स्टडी करेंगे। ये तीनों जो हैं ये इनको हम कह सकते हैं डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड इज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ 2 मोनोसैक्राइड यूनिट्स, जब 2 मोनोसैक्राइड यूनिट्स कंबाइन होंगे तो एक डाइसैक्राइड फॉर्म होगा। जैसे सक्रोज नंबर 1, इट इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज मीन्स कार्बन नंबर फर्स्ट पेयरिंग फॉर्म में OH नीचे, एंड बीटा फ्रक्टोज यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, अ लिंकेज इन विच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 2 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ कार्बन एंड कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, इस लिंकेज को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो इन सक्रोज में होती है। अब सक्रोज कैसे फॉर्म होता है, जब अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज दोनों कंबाइन होंगे और इनमें क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट मींस वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, ये दोनों कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, वाटर रिलीज होगा और इसमें जो लिंकेज होगी वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्डेड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, और ये सक्रोज जो है ये एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का।
इसमें देखें फिगर में, इन सक्रोस कार्बन वन ऑफ ग्लूकोज यूनिट इज जॉइंड टू कार्बन टू ऑफ फ्रक्टोज यूनिट, हेंस द लिंकेज इज आल्सो कॉल्ड 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो ग्लूकोज है इसका जो कार्बन नंबर वन है ये लिंक है कार्बन नंबर टू के साथ, फ्रक्टोज में कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर वन ऊपर है CH2OH, नीचे जो कार्बन है रिंग में ये कार्बन नंबर टू है। फ्रक्टोज का कार्बन कौन सा है टू, ग्लूकोज का कार्बन कौन सा है वन, इसमें लिंकेज कौन सी होगी, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन OCO लिंकेज, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें होगी 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वन क्यों, ग्लूकोज का कार्बन नंबर वन है एंड फ्रक्टोज का कार्बन नंबर टू है, इसलिए 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों, OCO लिंकेज है, ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ कार्बन, कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। नंबर टू माल्टोज, इट इज ऑप्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट्स। माल्टोज भी डाइसैक्राइड है जिसमें टू ग्लूकोज यूनिट्स फॉर्म होते हैं। इन माल्टोज कार्बन वन ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट इज जॉइंट टू कार्बन फोर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट, इसमें दोनों जो ग्लूकोज दोनों यूनिट्स होंगे वो ग्लूकोज के होंगे लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, एक होगा अल्फा ग्लूकोज और दूसरा होगा बीटा ग्लूकोज। हेंस लिंकेज इज नोन एज अल्फा कमा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अल्फा कमा बीटा क्यों, क्योंकि एक जो ग्लूकोज है वो अल्फा है कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH नीचे है और जो दूसरा है वो बीटा है कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH ग्रुप ऊपर है, इसलिए अल्फा कमा बीटा। 1,4 क्यों, क्योंकि एक जो ग्लूकोज है उसका कार्बन अटैच हो रहा है वो फर्स्ट कार्बन है और दूसरा जो ग्लूकोज है उसका कार्बन जो अटैच हो रहा है दूसरे ग्लूकोज के साथ उसका फोर है। ग्लूकोज एक रिंग उसका कार्बन नंबर वन, दूसरे रिंग का कार्बन नंबर फोर, ये दोनों लिंक हो रहे हैं इसलिए 1,4। एक अल्फा ग्लूकोज है और दूसरा बीटा ग्लूकोज, इसलिए अल्फा कमा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें ये लिंकेज होती है जिसको हम कहते हैं माल्टोज। माल्टोज क्या है, डाइसैक्राइड्स है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का में से ये माल्टोज मिलता है। सक्रोज मिलता है, उसका सोर्स क्या है, शुगर केन। नंबर थ्री लैक्टोज, मिल्क शुगर, इसका सोर्स है मिल्क। इट इज़ कम्पोज ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लैक्टोज, बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लैक्टोज। इन लैक्टोज कार्बन वन ऑफ बीटा ग्लैक्टोज यूनिट इज जॉइंट टू कार्बन फोर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट, हेंस लिंकेज इज नोन एज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसमें जो दोनों शुगर यूनिट्स हैं वो बीटा हैं, बीटा फॉर्म है उसका, लेकिन एक है ग्लूकोज और दूसरा है ग्लैक्टोज। अब ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में डिफरेंस क्या था ये हम पढ़ के आए पहले। कार्बन नंबर फोर पे OH अगर ऊपर है तो उसको हम कहेंगे ग्लैक्टोज, नीचे है तो उसको हम कहेंगे ग्लूकोज। तो इसमें जो लैक्टोज में मिल्क शुगर में जो लिंकेज है दोनों बीटा शुगर यूनिट्स हैं, लिंकेज है एक रिंग की कार्बन नंबर वन, दूसरे रिंग की कार्बन नंबर फोर, इसलिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। थैंक्स।